मुझे अब अपने परिवार को भुलाने की कोशिश करनी चाहिए और मैं पवित्रा के खिलाफ सोच रहा हूँ। ओहो, इतनी देर से परेशान हो रहा हूँ, फोन कर लेता हूँ। कुछ अपने बारे में बताइए ना। जी रत्ना, ये भी ट्राई कीजिए आप। सेक्रेटरी साहब, प्रिंस के बारे में कुछ बताइए ना। धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप ऐसे ही देखती रहेंगी कि कुछ खाएंगी भी? वैसे सच कहूं तो मेरी भी हालत आपसे कुछ अलग नहीं है। जब से आपको देखा है, हर जगह बस आप ही नजर आती हैं। मुझे लगता है हम दोनों के बीच जरूर कुछ है जो हम एक दूसरे की तरफ बिना डोर के खींचे चले जा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने मैरिड लाइफ में बहुत खुश हों, मगर फिर भी मुझे आपकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन दिखाई देता है, एक अकेलापन, अधूरापन, जिसे आपने कहीं कहीं बहुत अंदर छिपा कर रखा है। हो सकता है कि आपको मेरी ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ पैसे ही तो सब कुछ नहीं होता। मैं भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूं। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों के पास जिंदगी के सारे सुख, सारी सुविधाएं, पर फिर भी हम खुश नहीं हैं, अकेले हैं। शायद तब तक जब तक हमें हमारे परफेक्ट सोलमेट ना मिल जाए। पवित्रा, मेरे हिसाब से हमें अब चलना चाहिए। इतने अच्छे डिनर के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। चलते हैं। अच्छा सुनो, अब प्रिंस के बारे में कोई बात नहीं। युवराज सुनेगा तो उसे बुरा लगेगा,
लेकिन मैं चुप। कहाँ थी अब तक? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? और फिर तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ था? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं? इतने सारे सवाल युवराज, क्या तुम्हें मुझ पर अब भरोसा नहीं रहा? क्या मैं अपनी मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकती? पवित्रा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस यूं ही क्या युवराज, अरे दिन भर घर पर बैठे बैठे मैं पक जाती हूँ। बाहर डिनर पर चली गई तो तुमने तो पूरा आसमान अपने सिर पर उठा लिया। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं, जो हर काम तुम्हें पूछ के करूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पवित्रा, कम से कम इन्फॉर्म तो कर दिया होता। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो गई थी। मैं कोई बच्ची नहीं हूं युवराज, और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? वेलकम सर। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों के पास जिंदगी के सारे सुख, सारी सुविधाएं, पर फिर भी हम खुश नहीं हैं। क्या हुआ मीरजान, तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? आप हम दोनों के बीच में ना ही बोले तो बेहतर होगा रसीली बाई। ठीक है, नहीं बोलूंगी, जो तुम्हारी मर्जी है वही करो, पर कम से कम इस जायदाद को अपने नाम पर होने तो दो। और जानती हो ना हमें इस वक्त पैसों की कितनी जरूरत है, और फिर उस प्रिंस देव सिंघानिया को फंसाने के लिए किसी लड़की का इंतजाम भी करना है। उसके लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जान गई हूं कि इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही लड़की है जो हमारा ये काम कर सकती है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, कौन है वो लड़की? प्रिंस की कहां और क्या कमजोरी है, और कहां पर वार करने से वो मेरी मुट्ठी में आ जाएगा? बस एक बार रसीली पाई, उसके बाद इस प्रिंस का काम तमाम। जान, तुम उस राजकुमार को? हाँ रसीली भाई, इस पूरे राज पिपला में एक कजरी ही तो है जो ऐसे राजकुमार को अपने झांसे में फंसा सकती है। मुश्किल है मेरी जान, पर नामुमकिन नहीं रसीली भाई, और जो मुश्किल ही ना हो उसे पाने में मजा ही क्या है। ये अच्छी कही मेरी जान, पर
हमें युवराज की जायदाद अपने नाम भी तो करनी है, और फिर ये मत भूलो कि तुमने उससे शादी की है। जिंदगी बिताने के लिए थोड़ी ना की है रसीली भाई, और वैसे भी कुछ दिनों में ये सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। आखिर हमें भी तो बदलती चीजों से प्यार होता है। बेशक मेरी जान, बदल लेना चाहिए चीजों को और लोगों को, लेकिन पहले उनकी चीजें हासिल कर लो, उसके बाद उन्हें बदलना। और फिर वो राजकुमार तो है ही, अगर उस राजकुमार की जायदाद हमारे हाथ लग जाए तो फिर ये गरोड़िया निवास तो एक छोटा सा कमरा होगा हमारे नौकरों के लिए। हाँ रसीली बाई, रत्नापुरी का राजकुमार है, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की जायदाद। हाँ मेरी जान, लेकिन उसके लिए तुम्हें कजरी वाला जादू चलाना होगा। हाँ रसीली बाई, इस कजरी का जादू होगा और बहुत जल्द होगा, ये वादा है इस कजरी का आपसे। करण, कल लक्ष्मी बहुत खुश नजर आ रही थी, उसकी आंखों में जैसे एक विश्वास था कि वो अपने पापा को बचा लेगी। जानता हूँ दीदी। पता नहीं वो क्या सोच रही है, पर कोई प्लान जरूर है जिसने लक्ष्मी की परेशानियां कुछ कम कर दी हैं। ये भी जानता हूँ। तो फिर ये भी जान लो करण, ये विश्वास, ये खुशी हमारे लिए खतरा बन सकती है। हमें चौकन्ना रहना चाहिए करण, जानना चाहिए कि लक्ष्मी के दिमाग में क्या चल रहा है, हम कैसे उसे खुश होने से रोक सकते हैं। सोच रहा हूँ दीदी, बस उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? वो लक्ष्मी पूजा के दिन ये फाइल्स पूजा में रखी थी, उन्हें ठीक कर रहा था। सावित्री, याद है दिवाली के दिन, बल्कि लक्ष्मी पूजन के दिन हमारी लक्ष्मी का जन्म हुआ था, और उसके जन्म के बाद हमारी जिंदगी में, हमारे बिजनेस में कितनी बरकत आई थी, याद है? तुम कैसे भूल सकती हो, भूला तो मैं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारी चारों बेटियां किसी पूंजी से कम नहीं है, और बेटों जैसे दो दामाद सोने पे सुहागा। सही कहा आपने, इसीलिए तो कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस आशीर्वाद से बढ़कर हमारे लिए और है भी क्या? सावित्री, कितने ऊंचे विचार हैं तुम्हारे। चलो मैं चलता हूं, करण ने मुझे किसी काम से बुलाया है। जी प्रसाद, तुम हे भगवान, प्रसाद का इस तरह गिरना अशुभ माना जाता है, किसी परेशानी का संदेशा है ये।
सावित्री परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो करोड़ी, अब तक आया क्यों नहीं? कहीं गौरी और दुर्गा ने सारी सच्चाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। पूछी। सॉरी बेटा, मुझे जरा देर हो गई। पर तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? क्या घर खरीद रहे हो? खरीद नहीं रहा हूँ बापूजी, खरीद लिया है। क्या? इसलिए तो आपको यहाँ पर बुलाया है। ये आपके घर की चाबी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। ये वो देखिए। नहीं करण, नहीं नहीं। देखो तुम मेरे दामाद हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरे हाथ हमेशा ऊपर रहने चाहिए तुम्हें देने के लिए, ना कि नीचे यूं फैले हुए लेने के लिए। नहीं बेटा नहीं, मैं अपने दामाद से नहीं लूंगा। वाह बापूजी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप एक दामाद के घर पर जाकर रह सकते हैं, पर दूसरे दामाद से घर नहीं ले सकते। बापूजी, ये सब आपका है, सब आपकी मेहनत का फल है। जब से आपने कंपनी ज्वाइन की है, हमारे हर एक टेंडर पास हो रहे हैं और पिछले महीने में हमें दुगना मुनाफा हुआ है। ये उसी का फल है बापूजी, ये आपका हक है। बेटा, ये तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम इसे मेरा हक कह रहे हो, लेकिन ये घर मैं नहीं ले सकता। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और ये घर आप अपने दामाद के हाथों से नहीं, अपने बेटे के हाथों से ले रहे हैं। देखिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप जानते हैं मैं क्या करूंगा। बहुत जिद्दी हो तुम, नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। आपको मेरी कसम है, आपको ये घर लेना ही पड़ेगा। तुम्हारी ये बात दिल को छू गई। बाबूजी, ये कुछ लीगल पेपर्स हैं, घर आपके नाम करवाने के लिए इस पर आपका साइन करना जरूरी है। अपनी बर्बादी पर ही आपने आखिरी मोहर लगाई है। अब यहां से तुम्हारी बदकिस्मती कैसे शुरू होती है, ये करण मात्र तुम्हें बताएगा।